आज मैं एक ऐसे कंसेप्ट के बारे में बात करूंगा जिसके बारे में शायद लोगों ने समझाना जरूरी नहीं समझा, कि शायद उनको इसके बारे में इम्पोर्टेंस पता ही नहीं थी। कि देखिए, जो इंटीग्रेशन में आप सी लगाते हैं, देखिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे के रिवर्स होती है। मैं यहाँ से प्रूव करके दिखाऊंगा आपको। आप डिफरेंशिएशन ना एक्स स्क्वेयर की करिए, क्या आ जाता है 2x। अब 2x की ना इंटीग्रेशन कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। मतलब कि एक्स स्क्वेयर मेरे पास था और वही मुझे यहां पर वापसी मिल गया। प्लस सी हम अपनी तरफ से लगाते हैं, ये सी। अब यहां पर इसका क्या कॉन्सेप्ट है, अगर मैं एक्स स्क्वेयर प्लस 2 की अगर डिफरेंशिएशन करता हूं तो मेरा 2x आया। अब मैं 2x की इंटीग्रेशन करता हूं तो मेरे पास क्या आया, एक्स स्क्वेयर, जबकि मेरे पास क्या आना चाहिए था, एक्स स्क्वेयर प्लस 2। यही रीजन है कि हमारे पास, हमें ये नहीं पता होता कि सेम एक्स स्क्वेयर और इसके अलावा मैंने अगर इसके साथ कोई कांस्टेंट जोड़ दिया, कांस्टेंट यहां पर जोड़ा मैंने, ये सी की जो बात कर रहा हूं, तब भी आंसर हमारे सेम आते हैं। इस वजह से हम मान के चलते हैं कि कोई ना कोई कांस्टेंट तो उसके साथ एड अप होगा। अब यहां पर अगर मैं कुछ ना मानूं तो प्लस 0 कर चल सकता हूं। ये रीजन है कि हम प्लस सी करके चलते हैं, क्योंकि कुछ सेम ऐसी चीजें हो जाती हैं जिनके सेम आपके आंसर आते हैं, जबकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। इस एग्जांपल से मैंने प्रूव करके दिखाया। थैंक यू।